दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। अब मैं 5 मिनट में खत्म करता हूं कि गोमूत्र से और क्या क्या कर सकते हैं। हाँ, और क्या क्या? बागवती जी कहते हैं आंख के कोई भी रोग, आंख के सभी रोग कफ के रोग हैं जो आंख में हैं। जैसे मोतियाबिंद हुआ, ये कफ का रोग है। कैटरेक्ट जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं, ग्लूकोमा, ग्लूकोमा एक रोग है ना, काला पानी, काला। रेटिनल डिटैचमेंट एक रोग है जिसका तो दुनिया में कुछ भी इलाज ही नहीं है, रेटिनल डिटैचमेंट का ऑपरेशन भी नहीं है उसका, हो भी तो सक्सेस नहीं है। आप अमेरिका चले जाओ और किसी डॉक्टर को कहो रेटिनल डिटैचमेंट का, तो कहेगा ऑपरेशन कर सकता हूं, गारंटी नहीं है विजन आएगा कि नहीं। तो रेटिनल डिटैचमेंट, ग्लूकोमा, कैटरेक्ट, और आंखों में छोटी मोटी बीमारियां बहुत हैं, आंखें लाल होना, आंखों से पानी निकलना, आंखों में जलन होना, तो छोटी छोटी से लेकर सबसे खराब बीमारी रेटिनल डिटैचमेंट, ये सब गोमूत्र से ठीक होती है, क्योर होती है। शब्द पे ध्यान देना, कंट्रोल नहीं, क्योर होती है, जड़ से खत्म होती। आप बोलेंगे जी क्या करें, बस इतना ही करना है कि देशी गाय का मूत्र कपड़े से छान कर एक एक बूंद आंख में डालें। आप में से किसी को चश्मा उतारना है अगर अपना, तो जरूर डालें। 3 महीने में आप लगातार डाल के देख लीजिए, नंबर बदल जाएगा और 1.5 महीने में चश्मा उतर जाए। ग्लूकोमा बिना ऑपरेशन ठीक होता है 4-4.25 महीने में। कैटरेक्ट अगर आपको डिसॉल्व करना है 6-6.25 महीने में ठीक हो जाता है। रेटिनल डिटैचमेंट को 1 साल लगता है, लेकिन लगातार गोमूत्र डालते रहिए एक एक बूंद, बस इतना पर्याप्त है। आंखों में बच्चों के कान बह रहे हैं, कान आप जानते हैं छोटे छोटे बच्चों के कान में मवाद निकलता है, बस 2 या 3 दिन एक एक बूंद कान में गोमूत्र की डाल दीजिए, पूरा कान साफ हो जाएगा, मवाद निकलना बंद। दोस्तों सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक, कमेंट और शेयर करें, और हाँ, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।